हेलो एवरीवन, इट्स मी हमसेन। यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो एक टिकटॉकर की है, यानी हरीम शाह की है। अब पता नहीं इन्होंने सुंदल खटक को भी बीच में डाला है कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे हरीम होती है वहाँ पे सुंदल कैसे नहीं होगी। सुंदल है या सुंदस है? शायद सुंदस है। तो सुंदस और हरीम दोनों साथ साथ होती हैं। और भाई, मैं समझता हूँ कि जितनी अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है ना कि इमरान खान और पीटीआई के धजियाँ उड़ाई जाएं, तो उनको सिर्फ ये चाहिए कि हरीम शाह और सुंदस से जो है ना मुआहदा कर लें, और जितनी वीडियोज़ हैं इनके पास वो सारी ले लें। क्योंकि भाई, जितना ये कपड़े उतार सकती हैं ना पीटीआई के, वो कोई नहीं उतार सकता। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस फ्लोर नंबर 4 क्या क्या होता रहा है वो सबको पता है। तो ढकी छुपी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे भाई, फिर रहना भी होता है यहाँ पे। तो हरीम शाह का रोस्ट है, देखते हैं हरीम शाह के बारे में ट्वाई ब्रो वाले क्या कहते हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि भाई, इस बंदी के पास बहुत ज़्यादा खुफिया राज हैं पीटीआई के, और ये इसी वजह से उन्हें ब्लैकमेल करती रहती है, और किसी पीटीआई वाले की जरूरत नहीं होती कि इसको कुछ कह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। पाकिस्तानी सियासतदानों का तबला बजा चुकी है। भाई, ये पाकिस्तान की वो मुन्नी है जो खुद तो बदनाम थी ही, बाकियों को भी करती है। नेताओं, एंकर्स और सेलिब्रिटीज को भी बदनाम करने में लगी हुई है, या यूं कहें कि बेनकाब करने में लगी हुई है। और इस पाकिस्तानी मुन्नी का नाम है हरीम शाह, जो पाकिस्तान में हरीम से हराम हो चुकी है। और इसकी वजह है पाकिस्तान के सियासतदानों को बेनकाब करना, जिसमें सबसे पहला नंबर और कुछ सौ कार्ड मुल्ला जाने माने मंत्री हलवाई शेख रशीद का। मैंने आज तक आप मुझसे बात सुनी, क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे। ये वीडियो तो इसने वायरल की थी। मतलब भाई, सियासत में रहते हुए जो कल तक लोगों को नंगा करते फिर रहे थे, आज वो खुद हो रहे हैं। कपड़े उतार जाओ, इमरान खान से बहन भी उतरवा लो हमारी। आज उसी के मंत्री एक औरत के चक्कर में खुद ही नंगे होकर दिखा रहे हैं। औरत का चक्कर जो जो हो गया वो बताया नहीं जा सकता। भाई, पाकिस्तान के नेताओं का ठरकपन किसी से छुपा नहीं है। ये कभी दूसरों की बीवी के साथ नजर आते हैं तो कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ, कभी किसी टिकटॉकर के साथ नजर आते हैं तो कभी अपनी रखेल के साथ। भाई, आए दिन इमरान खान के मंत्रियों की एक से बढ़कर एक अश्लील वीडियो वायरल होती रहती हैं। लेकिन मजाल है कि हरीम शाह से कोई एक शब्द भी बोल दे। कैसे बोलेंगे? पीएम ऑफिस में इमरान खान की कुर्सी पर बैठकर टिकटॉक वीडियो तक बना लाती है, लेकिन उसके कैसे बोलेंगे इमरान खान और उसके मंत्री? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ बोलने लायक नहीं। और बोले भी कैसे? आखिर हरीम शाह ने इनके मुँह में अपने दो अनमोल रतन जो दे दिए है। तू समझा? समझ गए? नहीं, तू समझा? नहीं भाई, समझ गए। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि हरीम शाह है कौन, जिसने इमरान खान समेत पूरी पीटीआई पार्टी का जीना हराम कर रखा है। तो भाई, हरीम शाह एक टिकटॉकर है जो सच्चे तन मन और थन से पाकिस्तानी नेताओं और मुठ्ठल लोगों की सेवा कर रही है। सेवा ऐसी कि पीटीआई के नेता इससे संपर्क बनाने के लिए अपनी बीवी छोड़ने तक को तैयार है। हरीम शाह वो आग का गोला है जिसकी हवस भरी ज्वाला से न अरब के शेख बचे हैं, न पाकिस्तानी नेता, छक्के बचे हैं, ना ही फिरंगी। यहाँ तक कि इसकी हवस से भरी ज्वाला में अफ्रीकन बंदे तक काले पड़ गए हैं। बाद में हरीम शाह का हाल देखना। इसकी ज्वाला बुझने में नहीं आई। अब भी बंदी जब भी किसी पाकिस्तानी नेता या सेलिब्रिटी से मिलती है तो इसके मुंह से पहली लाइन यही निकलती है, करने आई हूँ। तो परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और फिर कुछ दिनों बाद बेटा वो फिर जो करके जाती है ना, और लड़कियां हैं उनकी हमारी वीडियोस है। अच्छा। बस यही चल रहा है आजकल पाकिस्तान में। अभी तो गंदी गंदी वीडियोस खान साहब की भी आनी है, जिसपे वो कह रहे हैं कि फंसे हुए हैं कि चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे। ये बंदी नेताओं की ऐसी ऐसी वीडियोस और राज छुपाए बैठी है कि अगर इसने अपना मुंह खोला तो इमरान खान समेत सभी मंत्रियों की पतलून खुल जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान के सियासतदान एक बार को अपनी बीवी का फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन हरीम शाह का कॉल, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अभी बात करें ना भाई, लगता आपके इन लाइव शो में मना के बैठी थी। हरीम शाह का खुद मानना है, जितने भी सियासी लोग हैं उनके बारे में मैंने बहुत ओपनली बात की थी कि बहुत ठरकी है, गजब बेइज्जती है।
बस इसी का फायदा उठाते हुए आज ये बंदी अय्याशी वाली जिंदगी जी रही है। कभी ये तुर्की में होती है तो कभी दुबई, कभी मलेशिया में होती है तो कभी लंदन। पाकिस्तान तो सिर्फ पैसा वसूलने आती है, और वसूलती किससे है? मेरे पास पैसे नहीं है, जो डेली अर्न कर रहा हूँ वो दे रहा हूँ। समझ रहे हो ना? वरना इतना पैसा आता कहाँ से है इस पर? और जब एक पाकिस्तानी एंकल ने इससे इसकी इनकम का सोर्स पूछा तो बंदी का कहना था, हम खुद कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है अब, क्या बताऊँ? अरे ये बता, कैसे कमाती है, ऊपर से या नीचे से? और क्या बताएगी? दोनों से। मॉडल काम की है। और पाकिस्तानी मॉडल्स की हकीकत क्या? आप तो बहुत अच्छे ब्रांड का शूट भी करती है तो पर ड्रेस आपको 2.5 से 3 हजार मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी बंदी फुल अय्याशी काटती है। भाई जो लाइफ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज नहीं जी पाते वो लाइफ ये टिकटॉकर जी रही है। और किसकी बदौलत? पाकिस्तानी मर्दों की बदौलत। और पाकिस्तानी मर्दों को बेवकूफ बनाना 1 मिनट का काम है। दो गई शराबत की। भाई इधर 2 मिनट में मैगी नहीं बनती और ये 1 मिनट में मर्दों को बेवकूफ बना देती है। आखिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? ये इससे ही जानते हैं। मुझ में मैग्नेट वो खुद बहुत कशिश है, मुझ में से ऐसी रेजेज उठती हैं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट मुझे समझ नहीं आती यार, लोगों का टेस्ट कैसे है कि लोग इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते। कैसे बोलेंगे? इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। तो रहीम शाह को क्रेडिट देता हूँ, इनका किरदार एक पावरफुल किरदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है। अब भाई ये कितनी तगड़ी इन्फ्लुएंसर है वो भी देख लो। अब मुझसे शादी करें, उसके बाद में खुद की और शादियाँ भी करवाऊंगी। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? मतलब बंदी कितने खुले विचार की है, पहले खुद शादी करेगी और फिर अपने हस्बैंड की दूसरी लड़कियों से शादी कराएगी। अब भाई ऐसे यही तो इसने किया है पीटीआई वालों के साथ। पाकिस्तानी बंदा कैसे छोड़ सकता है? वैसे भी पाकिस्तानी मर्द तो मुझे माफ करना, लेकिन देखें ना, खुसरों को छोड़ते हैं, ना बच्चों को छोड़ते हैं, ना हिजड़ों को छोड़ते हैं, ना बेवा को छोड़ते हैं, ना तलाक याफ्ता को छोड़ते हैं, ना शादीशुदा को छोड़ते हैं। खामोशी, खामोशी। बस पाकिस्तानी मर्दों की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए बंदी ने न जाने कितने पाकिस्तानी बंदों की जिंदगी झंड कर दी, जिनमें पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत फयाज उल हसन, फारूक सत्तार, मुफ्ती कवि, मुबस्सिर लुकमान, शेख रसीद, फवाद चौधरी शामिल हैं। सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या? भाई शामिल तो इमरान खान भी है, लेकिन हरीम शाह को पैसा टाइम पर पहुंचाने की वजह से अभी उसके राज बने हुए हैं। नहीं नहीं, इमरान खान को पता है उसकी मार्केट में बहुत जल्दी आ रही है कुछ। जिन लोगों को हरीम ने एक्सपोज किया है, तो इमरान खान हरीम को कैसे छोड़ देता? बाबा ये बात, इस पे केस बनाया था एफआईआर। वैसे भी हरीम शाह पाकिस्तान की वो खुली किताब है जिसको कोई भी पाकिस्तानी बंदा रुपए देकर पढ़ सकता है। 150 रुपया देगा। और भाई इसके कांड एक मामला शांत होने में नहीं आता जब तक तो ये दूसरा मामला खड़ा कर देती है। अब इन दिनों हरीम शाह का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी सारे केस के साथ टिकटॉक वीडियो बनाते दिखाई दे रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसे, हुकूमत को चैलेंज देते हुए कह रही है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी यात्री कितनी भी विदेशी मुद्रा को पाकिस्तान में ला सकता है, लेकिन बिना अनुमति के सिर्फ $10,000 विदेशी मुद्रा ही पाकिस्तान से बाहर ले जा सकता है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी इसका कोई घंटा उखाड़ लेगा, क्योंकि कैसे उखाड़ेगा, कॉन्फिडेंस है। तो हाँ कहना, मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, कह भी नहीं सकते। भाई हकीकत भी यही है कि कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। ये शेख रशीद से बातें करती है, पीएम ऑफिस में जाकर इमरान खान की कुर्सी पर बैठती है, मुफ्ती कवि के थप्पड़ मारते हुए टिकटॉक बनाती है, इमरान खान और उसके मंत्रियों की रातें रंगीन करती है, तो आखिर इससे कोई कुछ कैसे कह सकता है? भाई बंदी जब भी कोई कांड करती है, इमरान खान समेत पूरी पीटीआई इस कदर बेबस हो जाती है कि चाहते हुए भी इसके खिलाफ कोई बड़ा कुछ नहीं कर सकते, नहीं ले पाती और मामला शांत हो जाता है। लेकिन मुजरा भी करेगी भैया, अगर पैसा मिला तो कौन ना चाहे, कैसा ना चाहे, एक दिन तो ये सब खुलेगा भैया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले। अच्छा भाइयों देखो, ट्वाय ब्रो वालों ने ना बात ठीक की है कि वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि क्योंकि जनाब उसके पास इन सब की इज्जतें हैं, इमरान खान से लेके शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, फैसल वावड़ा और ये जितने हैं दरबारी, शहबाज गिल, मुराद सईद, जरताज कुल, सब के सब ऊपर से नीचे तक जो है ना हवस में लिथड़े हुए हैं। और इसके पास उनकी ऐसी ऐसी वीडियोस हैं, ये कुछ तो ले आई थी सामने और ट्रेलर के तौर पे, जब कोई मान नहीं रहा था कि इसके पास होंगी, और ऐसा धमाका हुआ कि भाई इसको फिर जो है ना इसकी डिमांड्स को पूरा कर दिया गया, ये खामोशी से बैठ गई। और मेरा ये मानना है, मुझे ये लगता है कि
वही सब वीडियोस जो इसने और सुंदस ने बनाई थी वो किसी तरह से शायद इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ गई हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ऑडियोज लीक किए जिसके बाद से इमरान खान ये शो डाल रहे हैं कि ये मेरी गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं। मतलब हर जलसे में, हर रैली में, इवन के आजकल वो धरने में है तो वहाँ भी वो कह रहा है कि भाई ये मेरी गंदी गंदी वीडियोस ला रहे हैं मार्केट में, ख्याल रखना डीप फेक टेक्नोलॉजी होती है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो खान साहब हमें अच्छे से पता है कि आप किस किरदार के मालिक हैं, आप आपके बारे में आपकी एक्स वाइफ रेहम खान ने जो किताब में लिख दी है, मेरे ख्याल में उसको पढ़ने के बाद कोई ये नहीं कहेगा। और आपका जो वैसे भी किरदार है, आपको हम सबको पता है आप प्ले बॉय थे, हैं बायसेक्सुअल थे और हैं, तो क्या कहें हम इस पे। अब आप रियासत मदीना का नारा लगाते हैं तो फिर हमें सच तो बोलना पड़ता है, वरना आपकी पर्सनल लाइफ में आप जो मर्ज़ी करो हमें इससे क्या, लेकिन उसके साथ फिर ये वाला ड्रामा ना किया करें। तो सही है भाई, मस्त वीडियो था, मज़ा आया देख के। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।